प्यारे बच्चों नमस्ते। पाठते रहो, चॉकलेट खाऊं या दांत बचाऊं। भाग एक, प्रकरण दांत। आज अपने विद्यालय में डॉक्टर अंकल जी आने वाले हैं और वे डॉक्टर जी आज बच्चों के दांतों के बारे में बताएंगे और दांतों की जांच करेंगे। सभी बच्चों ने विचार किया कि डॉक्टर आएंगे, उससे पहले हम कुछ प्रश्न बना लें जो आते ही हम डॉक्टर जी से पूछेंगे और सभी बच्चे प्रश्न बनाना शुरू कर दिया। सभी ने अपने अपने विचार करते हुए अपनी डायरी के अंदर प्रश्न तीन तीन चार चार बनाना शुरू कर दिया। कुसुम भाई ने पहले से प्रश्न बनाया कि हमारे दांत पीले क्यों होते, दूसरा कि दांत के अंदर संक्रमण रोग क्यों हो जाता है, तीसरा प्रश्न चॉकलेट खाने से दांत खराब क्यों हो जाते हैं और दांतों में बदबू क्यों आती है। इस प्रकार की सूची पहले से बना दी और ये भी विचार किया कि मेरी माताजी कहती हैं कि चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाएंगे, ये भी प्रश्न हम डॉक्टर जी से पूछेंगे। जितने में तो डॉक्टर अंकल कक्षाओं के अंदर आ गए, हम सभी बैठे, उसके बाद बारी बारी से हम प्रश्न पूछने की तैयारी में लग रहे थे। तो सबसे पहले मैंने डॉक्टर जी से प्रश्न पूछा कि डॉक्टर जी, मेरी माता जी कहती हैं कि चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं। डॉक्टर जी ने कहा हाँ सही बात है, चॉकलेट खाएंगे दांत खराब हो जाते हैं, सही बात है ये तो। तब डॉक्टर जी ने कहा चॉकलेट खाने समय उसकी दांतों की सफाई भी समय पर करनी चाहिए और चॉकलेट से फायदा भी होता है, ऐसी चॉकलेट खाएं जिससे फायदा होता है और चिपकने वाली न खाएं, यानी चॉकलेट खाते समय चॉकलेट दांतों में चिपक जाती हैं, उसके दाने दांत के अंदर रह जाते हैं, उसमें सड़ाल हो जाती है। तो हमें दांतों को बचाने के लिए क्या करनी चाहिए, दांतों की सफाई करनी चाहिए, ब्रश करना चाहिए और खाना खाने के बाद भी दांतों की सफाई समय समय करनी चाहिए। सुबह खाना खाते हैं उसके बाद दांतों की सफाई करो, शाम को खाते हो खाना उसके बाद दांतों की सफाई करो, समय समय पर दांतों की सफाई करेंगे उसमें संक्रमण रोग भी नहीं लगेंगे, दांत स्वच्छ भी रहेंगे, पीले भी नहीं होंगे और उसमें जो चॉकलेट के दाने चिपके रहते हैं वो भी बाहर निकल जाएंगे। ये भी वो चॉकलेट की चिपचिपा वाला उसमें प्रभाव बना रहेगा, दांत में सड़ान हो जाती है। तो पहली बात में से कि दांतों की समय समय पर सफाई करनी चाहिए। कुसुम तो कहती है मुझे चॉकलेट का तो बहुत शौक है, इसलिए अब मैं तो चॉकलेट तो खाऊंगी लेकिन इसके साथ साथ समय समय पर मंजन भी करूंगी जिससे मेरे दांत खराब नहीं होंगे। अब आगे डॉक्टर जी ने बताया देखो दांत जन्म से नहीं आते हैं किसी बच्चों के, तो वह तो 6 और 12 माह की अवधि में निकलते हैं, जब बच्चा जन्मता है उसमें बच्चों के दांत नहीं होते हैं, लेकिन जब उसके कुछ माह जैसे हमने बताया ना 6 और 12 माह के बीच में उसकी दांत आने शुरू हो जाते हैं और 5 और 7 वर्ष की आयु के अंदर उसकी दांत धीरे गिरते हैं और जो सबसे पहले दांत आएंगे वो होते हैं दूध के दांत। तो ये 6 और 12 वर्ष की आयु में जो दांत बनते हैं, जो ऊपर वाले जबड़े में 10 दांत आते हैं, नीचे वाले जबड़े में 10 दांत आते हैं, ऐसे मिला के दूध के दांत 20 आते हैं। धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है, जब 5 और 7 वर्ष की आयु के बाद आगे आयु घटती है, तब ये 10 और 12 वर्ष की आयु में बच्चों के दूध की दांत घी में
शुरू हो जाते हैं, उसके बाद स्थायी दांत आते हैं जो पूरे उम्र तक रहते हैं। वो अपनी उम्र है इसमें बताई है 18 से 25 तक, इसके बीच में सब दांत आ जाते हैं और पीछे दांत कहते हैं 4, वो 25 वर्ष के जिसको अपन दांत भी कहते हैं अकल दांत, वो 4 दांत बाद में आते हैं। पहले 20 थे, 20 की बात होंगे 32 दांत, 20 होंगे 32 दांत। अब इसके अंदर 32 में से 4 दांत है वो 25 साल तक लगभग उम्र में आने शुरू जाते हैं। इसके बाद हम सुनते हैं कि सुनने का मेरी दीदी के दांत तो 32 हैं और बुआ के दांत, दीदी के दांत 32, बुआ के दांत 30, कितने हैं 30, इसका क्या कारण है? इसके कारण है कि सभी के एक साथ दांत नहीं आते हैं, बुआ के दांत कुछ देरी से आए थे इसलिए 30 दांत है। उम्र में तो छोटी है ये, लेकिन इसके दांत पहले आ गए थे, इसके दांत बाद में आए, इसलिए इसके दांत है वो कम है। तो आज हमने पढ़ा दांतों की सफाई और दीदी के दांत और बुआ के दांत में अंतर, यानी दांत है वो किसी के पहले आ जाते हैं किसी के बाद में, इसलिए दीदी के दांत ज्यादा है बुआ के कम है।